दोस्तों, मैं काजल अग्रवाल आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कहानियों में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि श्राद्ध 15 दिन के होते हैं। श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि सारे त्योहार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की कुशल पक्ष की अमावस्या तक होते हैं। ये 15 दिन के श्राद्ध होते हैं जो कि हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं। दोस्तों, इस बार 2020 में श्राद्ध 2 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि इस बार अधिक मास है, जिसे मल का महीना भी कहते हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर को समाप्त होगी, क्योंकि इस बार अधिक मास है इसलिए नवरात्रि महीना लेट पड़ेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि श्राद्ध कैसे करें और कैसे याद रखा जाए कि किस दिन किसका श्राद्ध था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस श्राद्ध वाले दिन, अगर आपको उस व्यक्ति का श्राद्ध का दिन नहीं पता तो आप किस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपको किसी के श्राद्ध की तिथि याद नहीं है तो आप इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि श्राद्ध उस दिन होता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस दिन श्राद्ध को किया जाता है उस व्यक्ति के नाम से। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि किस तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो किस दिन आप उनका नाम लेकर श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में माना जाता है कि इन 15 दिनों के लिए यमराज हमारे पूर्वजों को मुक्त कर देते हैं और धरती पे उन्हें भेज देते हैं कि वो हमारे द्वारा बनाया गया खाना ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें। इसीलिए श्राद्धों को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, श्राद्ध किसे कहते हैं और पिंडदान कैसे किया जाता है? दिवंगत आत्माओं की मुक्ति और तृप्ति की श्रद्धा पूर्वक क्रिया करने को श्राद्ध कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस अवधि में सूर्य कन्या राशि में गोचर करता है, इसलिए श्राद्धों को कनागत भी कहा जाता है। जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती, उनका श्राद्ध करने के लिए अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उनका श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध का महत्व क्या है? श्राद्ध के बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। श्राद्ध के बहाने हम ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। श्राद्ध के बहाने हम उन पारिवारिक जड़ों को याद करते हैं जिनकी वजह से ये पारिवारिक कुटुंब बन रहा है। तो इसी बहाने हम 15 दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। कोई विवाह होता है तब भी हमें सबसे पहले पितरों को याद किया जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी हमारे शुभ कार्य सफल नहीं होते हैं। तो इसलिए हर कार्य के लिए हम पहले पितरों को भी पूछते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र को ध्यान रखकर पितरों की मूर्ति घर में स्थापित करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी भूलकर पितरों की मूर्ति को मंदिर के साथ ना लगाएं। कभी भी भूलकर पितरों की तस्वीर को मंदिर में ना रखें भगवान के साथ, यह अच्छा नहीं होता। पितरों की चित्र अर्थात मूर्ति को या तस्वीर को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए। ये चीजें वास्तु के और ध्यान रख के करनी चाहिए, यह अति आवश्यक होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्राद्ध की विधि आपको कैसे करनी है। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ और कुशा को अधिक महत्व दिया गया है। श्राद्ध करते समय इन चीजों का बहुत उपयोग होता है और इन्हीं के द्वारा हम पितरों को श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाने वाला भोजन पिंडी रूप में दिया जाता है, जिसे हम पिंडदान भी कहते हैं। दोस्तों, श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, परपौत्र और महिलाओं को भी होता है। श्राद्ध में कौओं को महत्व क्यों दिया जाता है? माना जाता है कि हमारे पितर कौओं का रूप धरकर धरती पर आते हैं और नित्य तिथि पर दोपहर के दिन आकर वह भोजन ग्रहण करते हैं। अगर उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में ये 5 नियम हैं जो आपको अवश्य करने हैं। तर्पण, दूध, तिल, कुशा, सुगंधित पुष्प,
आपको पितरों को अर्पित करने हैं। पिंडदान, चावल या जौ के पिंड बनाकर उनको दान करना चाहिए और जरूरतमंदों को भोजन देना चाहिए। निर्धनों को वस्त्र दान देने चाहिए। दक्षिणा, भोजन करने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। पूर्वजों के नाम पे चिकित्सालय, शिक्षालय, स्कूलों, अस्पतालों, ऐसी जगहों पर आपको उनके नाम से दान देना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात है कि किस तिथि को करें श्राद्ध। अगर दोस्तों आप भूल जाते हैं कि किसका श्राद्ध किस तिथि को होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तिथियां निश्चित की गई हैं हिंदू शास्त्र में, जिसके अनुसार आप अगर भूल जाते हैं कि किस तिथि को किसका श्राद्ध करना है, तो आप उस दिन उनका श्राद्ध उनके नाम लेकर कर सकते हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी को और माता का श्राद्ध नवमी को करना चाहिए, और जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनका श्राद्ध चतुर्थी वाले दिन करना चाहिए। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए, और जिनके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, जो आपके पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध आपको पितृपक्ष अमावस्या को करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी श्राद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताई कि श्राद्ध आपको कैसे करना है, श्राद्ध क्यों होता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है, और साथ ही हमने आपको बताया कि अगर आप भूल गए हैं कि किसका श्राद्ध किस तिथि पर पड़ता है, तो आप उस तिथि पे उनका नाम लेके उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं, और हर घर में श्राद्ध किए जाते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में भी श्राद्ध हर घर में होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये परंपरा अभी भी चली आ रही है कि श्राद्ध हर घर में होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल व्रत त्योहार कहानियों से, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।